छतरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में लगातार आईपीएल सट्टेबाजी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में विगत दिनों पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 8 से 10 लोगों को ग्रीन एक्सचेंज आईडी पर सट्टा खेलते हुए पकड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि सट्टेबाजी के दलदल में फंस चुके सटोरियों द्वारा ग्रीन एक्सचेंज आईडी के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए हार जीत का दावा लगाया गया। वहीं टीआई वाल्मीकि चौबे का कहना है कि बीते रोज हमारी टीम ने जितेंद्र साहू नाम के युवक को आईपीएल सट्टा खेलते हुए पकड़ा है और पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करते हुए कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी श्री चौबे ने बताया कि अब तक जितने लोग भी गिरफ्तार हुए हैं वो ग्रीन एक्सचेंज आईडी पर आईपीएल सट्टा खेलते हुए पकड़े गए हैं। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए ऐसी सभी आईपीएल सट्टेबाजी से जुड़ी ग्रीन एक्सचेंज आईडी को बंद कराने के लिए पत्रचार किया है। जी, श्रीनगर पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार आईपीएल सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में कल हमारे सिविल लाइन थाने की टीम ने फिर से एक सट्टा खेलने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जितेंद्र साहू नाम के व्यक्ति को, जिसके मोबाइल में आईडी मिली है और जिसके कार्रवाई की गई है हमारे द्वारा। अच्छा जी, हमने अभी तक जितने लोग पकड़े हैं वो ग्रीन एक्सचेंज ऐप चलाते हैं, जिसके लिए श्रीमान द्वारा उस पर भी कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया है, जिस पर हमारे द्वारा पत्राचार कर उस पर उसको ब्लॉक करवाने के या बंद करवाने के लिए पत्राचार किया जा रहा है।